मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भोपाल विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह भोपाल की जनता से बदला लेने के लिए डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह के भोपाल विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह चुनाव हारने के बाद भोपाल की जनता को सबक सिखाने के लिए भोपाल विजन डॉक्यूमेंट बनाने में लगे हुए हैं। शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह ने भोपाल के लिए क्या किया। जिस व्यक्ति ने 10 साल प्रदेश को अंधेरे के गर्त में रखा हो, उससे भला भोपाल की जनता और क्या उम्मीद कर सकती है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जो हाल राहुल गांधी का किया है, वही हाल शायद अब वो भोपाल का करने पर तुले हुए हैं। हम प्राइवेट एजेंसी से एक DPR तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का भोपाल से प्रेम है, वो अब दूसरे जगह के नाम कटवा के भोपाल की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम वो डेवलपमेंट के लिए वहाँ कितना पैसा लगेगा वो हम DPR बनाकर देंगे। और आज मैंने आपको ये बताया है, मैं रेगुलर वहाँ कुलार में 1 घंटे लगातार गलियों में दौरा करता हूँ, और प्रतिदिन हमने तय किया कि 4 से 5 गलियों का मलबा और कीचड़ हटाकर वापस चलने योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 100% दावा नहीं है कि हम चलने योग्य बना दें, चलने योग्य करने के दावा नहीं कर रहे, पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ नागरिक बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना भी है और सरकार को मेरी चेतावनी भी है कि सरकार ध्यान दे, इस तरह की बंदरवांट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने ये बात प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों का है उनको बता दिए, पॉलिटिकल हम इस बात को अभी मचाना नहीं चाहते, लेकिन सबको ये बात पता पड़ेगी और सबको ये समझाया जाएगा और सबको ये बताया जाएगा। और अभी ये किया है, आगे आगे हम वो सड़कें भी लाएंगे और हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि प्रतिदिन नहीं तो हर दिन दूसरे दिन एक सड़क का मौका पर मुआयना करने के लिए आप भी चलें। फिर अपन CPA की सड़कें भी देखेंगे कि वो कैसी और कहाँ बन रही हैं, फिर अपन PWD की सड़कें देखेंगे कि उनकी क्या हालत है। ये जो विजन डॉक्यूमेंट्स हो रहा है और वचन पूरे हो रहे हैं, इन वचनों के चक्कर में हम सब परेशान और मर रहे हैं। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी भोपाल के विकास के लिए एक खाका खींचने में लगे हुए हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि दिग्विजय सिंह भोपाल के विजन के लिए क्या क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।